आज हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, सबसे पहले हम कुछ इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे देखो यार, रूट के अंदर -1, जो रूट के अंदर -1 आता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी, मतलब आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। ठीक है, रूट के अंदर जो -1 आता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा बोलते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ से रूट हटाऊँ तो यहाँ से क्या चल जाएगा? स्क्वायर। तो देखो, यहाँ कितना बच गया? -1, और ये क्या हो जाएगा? आयोटा का होल स्क्वायर। तो आपको क्या समझ में आया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? के पास -1 होती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि रूट के अंदर -1, इसे क्या बोलते हैं हम? आयोटा। क्योंकि ये क्या है आपका? एक इमेजिनरी नंबर है ना। इमेजिनरी नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। अगर कोई मेरे से बोले कि मेरे को आयोटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? आयोटा क्यूब की। तो देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा का होल स्क्वायर इंटू, है ना, आयोटा। ठीक है, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 इंटू आयोटा। ठीक है, तो कितना गया पास? माइनस का आयोटा। तो आयोटा क्यूब को आप क्या बोल सकते हो? माइनस का आयोटा बोल सकते हो। ठीक है, अब ऐसे आप जितने भी है ना, इसकी हाईएस्ट पावर होगी है ना, उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। जैसे देखो, मेरे को बोला कोई आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू चाहिए। देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर। जब मैं करूंगा कितना हो गया? 1। तो आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर कोई मेरे को बोलता है आयोटा की पावर 5 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अब देखो क्या लिखो इसको, है ना, पहले इवन पावर में तोड़ो, 4 पावर, है ना। तो 4 पावर को आप क्या लिख सकते हो? आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब एक पावर बच गई तो आयोटा लिख दो, समझ गए? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू आयोटा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, है ना, और ये कितना आ जाएगा? आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू कितनी गई? आयोटा आ गई। ठीक है ना, अगर कोई मेरे से बोलता है कि आयोटा की पावर 6 की वैल्यू चाहिए, अभी तो इवन है, तो आप इसको कह सकते हो आयोटा स्क्वायर का, है ना, पावर कितनी ले सकते हो? 3। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा पास? -1 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। ठीक है, अगर कोई बोलता है मेरे को कि मेरे को आयोटा की पावर 7 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अब देखो आप क्या ले सकते हो इसको, बोलो, पहले इवन पावर तोड़ लो, है ना, 6 पावर और 1 पावर, ठीक है, 6 को लिखो आयोटा स्क्वायर की पावर कितना लिखोगे? 3, ठीक है ना, इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -1, इसकी पावर 3 इंटू आयोटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? -1, है ना, और ये आयोटा से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? माइनस का आयोटा। तो आयोटा की पावर 7, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -आयोटा होती है। ठीक है, ऐसे देखो, कोई भी पावर आपको बोले, जैसे आयोटा की पावर 31 बोल दे, ठीक है, तो ऑड है ना, इवन पावर में तोड़ लो, 30+1, अब क्या लिखोगे आप? आयोटा स्क्वायर की पावर कितना? 15 इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर के लिए कितनी होती है? -1, इसकी पावर 15 इंटू आयोटा। किसी भी नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर हो तो हमेशा किसका आता है? माइनस का साइन आता है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का आयोटा आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना, अगर कोई मेरे को बोले कि आयोटा की पावर 28 की वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे लिखोगे बोलो? आयोटा स्क्वायर की पावर, ये तो इवन नंबर है, तो 14 2 28, तो आयोटा स्क्वायर की कितनी थी? -1 की पावर 14। ठीक है, तो कितना आएगा? किसी भी नेगेटिव के ऊपर अगर इवन पावर है तो आंसर हमेशा किसमें आता है? प्लस के अंदर। तो कितना आ गया? 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, है ना, किसी भी आयोटा की हाईएस्ट पावर को छोटी पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमारा चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम क्या था आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किसकी बात करें हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मोस्टली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से। ठीक है ना, ये क्या होता है? रियल, है ना, और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, रियल, रियल का मतलब ए, और इसको लिख सकते हैं हम आयोटा बी। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया ये नंबर जो है, ठीक है, ये कैसा हो गया आपके पास? एक इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कैसा पार्ट है आपका? रियल पार्ट है। ठीक है ना, और ये कैसा आपके पास? इमेजिनरी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले, है ना, ऑपरेशन लगा के देखते हैं। ठीक है, कि भाई इनको कैसे सॉल्व करते हैं।
जैसे मान लो मुझे किसने बोला कि, जैसे मान लो जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, और जेड टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है सी प्लस आयोटा डी, ठीक है ना। अब मुझे इन पे क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, प्लस करना है इनको, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो इधर, सबसे पहला हम ऑपरेशन लिख रहे हैं एडिशन, कि मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है ना। अब देखो कैसे ऐड करोगे, क्या के पास ए प्लस आयोटा बी, ये तो जेड वन है, और जेड टू कितना है सी प्लस आयोटा डी। अब देखो एडिशन कैसे होता है, रियल पार्ट जो है रियल के साथ ऐड होता है और इमेजनरी पार्ट क्या होता है, इमेजनरी के साथ ऐड होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ ऐड होगा। करो देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ठीक है, इधर से आयोटा कॉमन निकल रहा है ना इन दोनों से, तो कितना आ जाएगा बी प्लस डी, ठीक है। रियल पार्ट रियल के साथ ऐड हो गया, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ ऐड हो गया, ठीक है। ऐसे देखो अगर बोलूं कि मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है, जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन कितना है के पास ए प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, माइनस जेड वन कितना है सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। करो देखो इनको सॉल्व, कितना हो जाएगा बोलो, ए प्लस आयोटा बी, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का सी और माइनस का आयोटा डी, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या है, रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजनरी पार्ट के साथ में, तो देखो क्या हो जाएगा ए माइनस सी, ठीक है, आपने इन दोनों से आयोटा कॉमन निकाल लिया, कितना आ जाएगा बी माइनस डी। बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि आपने कैसे एडिशन करना है, कैसे सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। एडिशन में क्या होगा, रियल पार्ट रियल के साथ होगा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में भी रियल रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहता हूँ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे हम लोग, तीसरा ऑप्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, जेड वन इंटू जेड टू कर रहे हैं, ठीक है ना। जेड वन क्या था बोलो, ए प्लस आयोटा बी इंटू, जेड टू क्या था सी प्लस आयोटा डी। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई, ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सी प्लस आयोटा डी से, प्लस आयोटा बी, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सी प्लस आयोटा डी से। करो देखो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। अब देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हो आप कितनी होती है, माइनस वन, तो मैं इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन लिख सकता हूँ। देखो कितना हो जाएगा, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, और इस आयोटा स्क्वायर लिख दिया आपने माइनस वन, है ना, बी डी, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट रियल के साथ, है ना, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ में, ठीक है, लिखो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, इन दोनों से अपन ने वही आयोटा कॉमन निकाल लिया, तो कितना आ गया ए डी, है ना, प्लस बी सी, ठीक है। बात क्लियर है, समझ गए कैसे करना है आपको। अब ऐसे मुझे क्या करना है, डिवाइड लगाना है, जेड वन अपॉन जेड टू करना है। बात क्लियर हो रही है, क्या करना चाहता हूँ मैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड लगाना चाहता हूँ। देखो जेड वन कितना था के पास, ए प्लस आयोटा बी, जेड टू क्या था बोलो, सी प्लस आयोटा डी। अब देखो इधर जब हम डिवाइड लगाते हैं तो देखो यहाँ पर नीचे क्या गया के पास, आयोटा, जब भी नीचे आयोटा का साइन होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, नीचे से आयोटा का साइन हटाना होता है। अब आयोटा का साइन कैसे हटेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने सुना था कि जब भी डिनोमीटर में रूट आता था तो हमें रूट का साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ता था, उसको रेशनलाइज। ऐसे हमेशा याद रखना है कि जब भी नीचे आयोटा का साइन आए, है ना, तो हमें क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, कभी भी नीचे आयोटा का साइन नहीं आता है। बात क्लियर हो गई, क्या बोला मैंने, कभी भी नीचे आयोटा का साइन नहीं आता है, जब भी नीचे आयोटा का साइन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सी माइनस आयोटा डी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सी माइनस आयोटा डी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि नीचे कभी भी आयोटा का साइन नहीं आता है, ठीक है। मुझे क्या करना है, नीचे से आयोटा का साइन हटाना है,
तो मुझे आयोटा का साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बोलो रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बात कर रहे हैं, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, करो देखो मल्टीप्लाई। अब वही तरीका, ए क्या होगा, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, कैसे हो जाएगा, ए इंटू सी माइनस आयोटा डी प्लस आयोटा बी, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सी माइनस आयोटा डी से। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो नीचे अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बोलो कितना होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है आपका सी, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस बी, बी कितना है आयोटा डी, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, करो देखो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी अपॉन। ठीक है, देखो ये कितना हो गया, सी स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और डी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो जहां जहां आपके पास आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, देखो एक आयोटा स्क्वायर ये रहा और एक आयोटा स्क्वायर ये रहा, हम आयोटा स्क्वायर के लिए जानते हैं कितनी होती है माइनस वन, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस वन लिख सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा माइनस वन, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस बी डी। ठीक है ना, अपॉन सी स्क्वायर आपका एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस वन, तो माइनस और माइनस प्लस, ये कितना हो गया डी स्क्वायर। अब देखो कैसे लिखोगे आप, रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ में। ठीक है, लिखो क्या हो जाएगा बोलो, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, प्लस का साइन बाहर लिख लेते हैं और आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्लस लिखा है आपने, तो पहले प्लस वाला लिख लो, है ना, और बाद में माइनस वाला लिख लो, क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी। ठीक है, बात कर रहे हैं, अपॉन कितना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कितना है के पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, बात कर रहे हैं, अब देखो इधर, अब इसको चाहो तो अलग अलग कर दो, ये जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना, वो इसके नीचे भी है ना, और ये नंबर इसके नीचे भी है। ठीक है, अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, ए सी प्लस बी डी है ना अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा एज इट इज, ये कितना हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।